आज हम बनाने वाले होममेड पानी पूरी और ये देख के मुझे याद आता है, चलना पानी पूरी लगाना। हाँ लगा रहो, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे कोतमीर, फिर हम लेंगे थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा अदरक, इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर देंगे। फिर हम लेंगे जीरा, फिर हम लेंगे लेमन, इसको बीच में से कट करके हमारे मिक्सर के अंदर अच्छी तरीके से स्क्वीश कर देंगे। उसके बाद हम लेंगे आइस क्यूब्स, आइस क्यूब्स के 4 क्यूब्स इसके अंदर डाल देंगे। फिर हम इसको मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे, ऐसे नहीं अच्छे तरीके से, और ग्राइंड करने के बाद ये ऐसा लगेगा। फिर इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे। फिर हम लेंगे एक साफ बाउल और बाउल के अंदर इसको अच्छी तरीके से डाल देंगे, और जो बचा कुचा हिस्सा है उसको भी पानी से ऐड कर देंगे। और हमारा पानी पूरी का पानी ऑलमोस्ट रेडी है। फिर इसके अंदर पानी पूरी मसाला डाल देंगे एवरेस्ट का, ये कुछ ऐसा लगेगा। तो या उसके बाद हम लेंगे रगड़ा, रगड़ा यानी कि वाइट पीस, इसको उबाल लेंगे और फिर एक कढ़ाई में ऑयल डाल के अनियंस डाल के इसको अच्छी तरीके से फ्राई करने रख देंगे। फिर थोड़े से टोमेटोज ऐड करके हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, फिर मसाले ऐड करेंगे। मिक्स करने के बाद हम थोड़ा सा चाट मसाला लेंगे फॉर बेटर टेस्टिंग, एंड देन हमारे रगड़े को ढाल देंगे वाइट पीस को और इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद हम लेंगे थोड़ा सा आलू, आलू को मैश करके इसके अंदर ढाल देंगे बॉईल करके, और इसको पकने छोड़ देंगे। और तैयार है हमारा पानी पूरी, और आज टेस्ट करेगा मेरा भाई, इसको टेस्ट कराते हैं और देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। इसको शायद से तीखा लग गया, बट कैसा लगा या सो मैं ऐसे फिनिश करता हूँ। आप ऐसे वीडियोस के लिए फॉलो करें। सो बाय।